दिस इज रियलमी 10। फ्लिपकार्ट से अगर आप खरीदते हैं इंडियन रिटेल यूनिट आपको कैसा देखने को मिलेगा देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लिपकार्ट के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये इसके अंदर योलो बॉक्स, ये रहा इनवॉइस 17,048 रुपीज। प्लास्टिक रैप को हटा लेते हैं। Realme 10 का बॉक्स कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, पीछे हाइलाइटेड डिटेल्स दिया है। अभी सील को काट लेते हैं। फर्स्ट ये किट बॉक्स, ये रहा कवर, डार्क शेड में आता है और Realme TPU केस का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहता है। नेक्स्ट क्विक स्टार्ट गाइड एंड सेफ्टी गाइड। अभी फोन की तरफ आगे बढ़ते तो ये रहा Realme 10। पीछे का डिजाइन कुछ ऐसा दिखता है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये पे कुछ भी बॉर्डर एरिया नहीं है, पूरा फ्लैट एरिया, थोड़ा सा यूनिक लुक लग रहा है। नेक्स्ट ये 33 वाट का सुपर वूक फास्ट चार्जर एंड ये रहा इसके रेटिंग्स एंड सबसे लास्ट ये टाइप सी केबल। डिजाइन में फास्ट लुक मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख के एक अलग ही ग्लॉसी फिनिश मिल रहा है, एक अलग ही चमक इसके डिजाइन में है, बट बहुत ही ज्यादा व्हाइट टोन के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड पीछे कोई ग्लास बैक नहीं, ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक है। बॉटम सेक्शन पे दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट 3.5 हेडफोन जैक, माइक्रोफोन होल, टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। राइट साइड पे वॉल्यूम अप डाउन के साथ साइड फिंगरप्रिंट माउंट एंड इस साइड पे ये सिम इजेक्टर टूल। एंड इसको बाहर निकल के देखते हैं, ट्रिपल सिम स्लॉट दिया है, 2 सिम, 1 SD कार्ड। पीछे इस साइड पे रियलमी का ब्रांडिंग, ये पे 2 कैमरा सेंसर बम्प, फ्लैश लाइट के साथ 15 MP मेंशन किया है। अब फटाफट फोन को स्नैप कर लेते, फर्स्ट टाइम ऑन करके दिखाता हूं। वेलकम Realme UI, गेट स्टार्टेड। अभी पूरा इंटरफेस ये पे खुल गया है, लेफ्ट राइट स्वाइप कुछ ऐसा आता है। स्वाइप अप करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा हमें स्वाइप अप मेनू देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन पे चलते हैं तो ये रहा नोटिफिकेशन मेनू। सेटिंग्स के अंदर फुल सेटिंग्स मेनू कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। Realme UI 3.0 एंड्रॉइड वर्जन 12, 128 GB स्टोरेज के साथ, रैम 8 GB। प्राइस के हिसाब से देखो तो डिस्प्ले उतना भी ज्यादा बढ़िया नहीं है, 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बट 120Hz ये पे दे देना चाहिए था, बट ओनली 90Hz दिया, जो मेरे ख्याल से ठीक ठाक ये 120Hz दे देना चाहिए। अब इससे एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज्यादा एक क्रिस्प डिस्प्ले मिलता है, ओवरऑल कलर वगैरह ठीक ठाक ही है, सैचुरेशन बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा खासा बैलेंस क्वालिटी का है। तो कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग कलर इफेक्ट हमें ओवरऑल वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा है, बट अभी भी 90Hz के बजाय 120Hz दे देना चाहिए था। बेजल के मामले में बटन मेनू पे स्लाइटली हमें ज्यादा बेजल देखने को मिलता है, बट बाकी तीनों साइड ठीक ठाक ही दिया है। आउटडोर में ब्राइटनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा ब्राइटनेस हमें आउटडोर फुल लाइट के अंदर भी सफिशिएंट ब्राइटनेस दे देता है। रिफ्रेश रेट के अंदर आप ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हाई एंड स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं, स्टैंडर्ड पे 60Hz एंड हाई पे 90Hz। 120Hz ये पे सपोर्ट नहीं करता, मैक्सिमम 90Hz तक आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट ले जा सकते हैं। 90Hz के बाद कुछ ऐसा हमें स्मूथनेस देखने को मिलता है, लेफ्ट राइट स्वाइप स्लाइटली फास्ट हुआ है। कैमरे में पीछे 2 सेंसर दिया है, 15MP मेन, 2MP मैक्रो एंड फ्रंट पे मिलता है 16MP का सेल्फी सेंसर। अभी पूरा कैमरा इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर कैसा हमें मिलता है, फर्स्ट टाइम एग्री एंड कंटिन्यू। फर्स्ट ही मिलता है नाइट मोड, देन स्ट्रीट, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, 50MP एंड मोड के अंदर मिलता है प्रो मोड, पैनो, फिल्म, स्लो मोड, टाइम लैप्स, ड्यूल व्यू, टेक्स्ट स्कैनर एंड टिल्ट शिफ्ट। वीडियो के अंदर रेजोल्यूशन की बात करूं तो दोनों ही ऑप्शन मिलता है, फुल HD एंड 720p। तो शायद हो सकता है फुल HD 30fps यहाँ पे सपोर्ट होता है। अल्ट्रावाइड का कोई भी सेंसर नहीं है तो ऑप्शन भी नहीं है, बाकी यहाँ पे 2x एंड 1x के बीच आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसका फुल कैमरा टेस्ट मैं कुछ दिनों में डालने वाला हूँ, आउटडोर में जाके पूरा दिन लाके इसका फुल कैमरा टेस्ट करेंगे। अब ये पीछे नेकेड लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, कवर के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा डार्किश शेड में ये TPU के साथ है, साइड से ऐसा हमें देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन दिया है एंड ये जो कॉर्नर एरिया है स्क्रीन से बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, तो फोन अगर ऐसे गिरेगा तो बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन मिल जाएगा एंड ये एरिया कैमरा से स्लाइटली ऊंचा है। केस यूज करने के बाद फुल लुक हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी में हैंड्स फील बहुत ही बढ़िया है, हाथ में लेके एक लाइट वेट फोन जैसा फील होता है, रेडमी के जैसा उतना ज्यादा वेट नहीं है। इन टर्म ऑफ वेट मैनेजमेंट रियलमी ऑलवेज मेंटेन द बैलेंस वेट एंड इसका वेट माप के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फोन के साथ होता है 179 ग्राम एंड कवर के साथ ये, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जैसा भी है आईफोन जैसा फील हो रहा है एंड रियलमी एक्चुअली पहले भी कर चुका है, बजट फोन C35 में भी ऐसा ही हमें डिजाइन मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो हिलियो G99 का गेमिंग चिपसेट हमें इसके अंदर मिलता है, जहाँ पे ठीक ठाक गेमिंग तो अब इसलिए आप कर सकते हैं, जो प्रोसेसर ये पे दिया है नॉर्मल डे टू डे काम में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा एंड इस प्रोसेसर के साथ गेमिंग अगर आप करते हैं लो रेजोल्यूशन पे 35fps आप आराम से निकल सकते हैं। और ये पे इंटरफेस के अंदर स्वाइप अप टचेस वगैरह बहुत ही सही मिल रहा है, बट 90Hz के बजाय अगर 120Hz देता नॉर्मल डे टू डे लाइफ में और भी बेटर
एक्सपीरियंस ये फोन दे पाता। बेंचमार्क में Geekbench स्कोर जो है 538 सिंगल कोर, और ये कितना ज्यादा फास्ट है Redmi Note 12 के साथ इसका एडवांस स्पीड टेस्ट करके देखेंगे। स्पीड टेस्ट का वीडियो एज सून एज पॉसिबल डालने वाला हूं। अब पर्टिकुलरली बैटरी के मामले में कोई कमियां नहीं है इस फोन में। 5000 एमएएच की बैटरी दी है, 33 वाट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग बॉक्स में ही हमें देखने को मिलता है, तो नॉर्मल यूजेस पे एक डेढ़ दिन आप आराम से ही निकाल सकते हैं। एंड इसका चार्जिंग कितने टाइम में फुल चार्ज होता है आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। अभी ऑडियो में आपको सुनाई तो साउंड सुन लो कैसा सुनने को मिलता है। साउंड ठीक ठाक है, फुल रिव्यू आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, बट मोनो साउंड है, एक ही तरफ से साउंड निकलता है, दोनों तरफ से साउंड स्टूडियो साउंड नहीं दिया। अब फाइनल कंक्लूजन यूएसपी की बात करूं तो ठीक ठाक डिजाइन है, डिजाइन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा एक्चुअली। फास्ट लुक में डिजाइन देख के लग रहा है कि एक सेमी फ्लैगशिप फोन है। स्टैंडर्ड बिल्ड क्वालिटी, मैसिव 5000 एमएएच बैटरी, हेलियो G99 गेमिंग चिपसेट जिसका परफॉर्मेंस हम स्पीड टेस्ट के अंदर देखेंगे। इसका बेस वेरिएंट 464GB पूरा वर्थलेस है, और उससे ऊपर का वेरिएंट प्राइस बहुत ही ज्यादा रखा गया है। तो ओवरऑल ये फोन मुझे ठीक ठाक ही लगा, कुछ दिन यूज करने के बाद फुल रिव्यू मैं इसका दे पाऊंगा। और इसका कैमरा टेस्ट स्पीड बहुत ही जल्दी इस चैनल पे आने वाला है।